वास्तुशास्त्र के ये दो पौधे एक साथ घर में इस जगह लगाने से बनेगा राजयोग, होगी असीम धन की प्राप्ति। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द टीम में। मित्रों, घर में एक साथ दो पौधे लगाने से आप शीघ्र ही करोड़पति बन सकते हैं। ऐसे पौधे घर में सही दिशा में लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में लंबे समय तक निवास करती है। आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त हो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। यूं तो वास्तुशास्त्र में कई ऐसे पौधे हैं जो घर में सुख समृद्धि और धन लाते हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही हम दो ऐसे पौधों के बारे में भी आपको बताएंगे जिन्हें हमेशा साथ लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में तथा हमारे पुराणों में भी पेड़ पौधों को देवता और भगवान का रूप माना गया है। आजकल हम लोग घरों में सजावट के लिए कई तरह के पौधों को लगाते हैं, लेकिन ऐसे पौधे यदि सही दिशा में और वास्तु के अनुरूप लगाए जाए तो ये पौधे घर की नकारात्मक ऊर्जा को बदलकर सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे घर में देवताओं और माता लक्ष्मी का वास होता है और घर की सुख समृद्धि में भी तेजी से वृद्धि होने लगती है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिससे आपकी किस्मत भी बदल सकती है। कई बार हमारे द्वारा लगाए गए पौधे अच्छे परिणाम नहीं देते क्योंकि उनमें वास्तु दोष होता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से पौधे को घर में लगाए तथा वे कौन से दो पौधे हैं जिन्हें एक साथ लगाने से घर में धन्य धान्य और कारोबार में चमत्कारिक वृद्धि होती है तथा इसे किस दिशा में लगाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अश्वगंधा की। अश्वगंधा एक ऐसा पौधा है जो अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। अश्वगंधा को घर में लगाने से घर के सभी तरह के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। कई बार जब हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें वास्तुशास्त्र की अनदेखी कर देते हैं। वास्तुशास्त्र की अनदेखी के कारण हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी सफलता में बाधा आती है और हमें आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जिससे परिवार में कलह, लड़ाई झगड़े और तनाव बना रहता है और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। परंतु जिस घर में अश्वगंधा का पौधा होता है उस घर में सदा माता लक्ष्मी का वास होता है, जिससे घर में धन धान के कभी कमी नहीं होती। यदि आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है तो आपको अश्वगंधा का पौधा अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। दूसरा है आंवला का पौधा। आंवला का पौधा आप घर के पूर्व दिशा में लगा सकते हैं या घर की उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। आंवले के पौधे की पूजा करने से हर इच्छा पूर्ण होती है। आंवले का पौधा भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय होता है। इसकी हर रोज पूजा अर्चना करने से सभी पापों का नाश होता है तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगला पौधा है बेल का। बेल का पौधा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। मान्यता है कि इस वृक्ष पर स्वयं भगवान शिव जी निवास करते हैं। इसे घर में लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। देवों के देव महादेव का प्रिय वृक्ष होने के कारण इस वृक्ष को लगाने से अन्य सारे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, जिसके फलस्वरूप घर में हमेशा सुख समृद्धि, धन धान्य और स्वास्थ्य लाभ आपको प्राप्त होता रहता है। तो मित्रों, अब बात करते हैं उन दो पौधों की जिन्हें घर में एक साथ लगाने से घर में सुख समृद्धि में तेजी से वृद्धि होने लगती है तथा धन धान्य में भी बढ़ोतरी होती है। वे दो वृक्ष हैं केला और तुलसी। घर में समृद्धि के लिए केला के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे घर के ईशान कोण में लगाना चाहिए क्योंकि यह बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधि वृक्ष है। केले के पास या केले के साथ यदि तुलसी का पौधा भी लगा दे तो ये अत्यंत शुभकारी रहेगा। जिस घर में केला और तुलसी का पौधा एक साथ होता है वहाँ धन दौलत के भंडार कभी खाली नहीं होते। तुलसी का पौधा जहाँ पर भी लगा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास सदा बना रहता है। तुलसी का पौधा भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा केले के वृक्ष में श्री हरि का वास होता है, इसलिए इन दोनों को हमेशा जोड़े में लगाना चाहिए। तो मित्रों, ये थे वो पौधे जिनको घर में लगाने से घर में धन लाभ होता है, और वे दो पौधे भी हैं जिन्हें एक साथ लगाने से घर में कभी धन धान की कमी नहीं होती। तो आप भी इन पौधों को लगाकर इसका लाभ प्राप्त करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें। जय श्री कृष्णा।
राधे राधे।